नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 1:11 और मैं हूं आपके साथ शिवानी। हरियाणा के करनाल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और लगे हाथ पाकिस्तान को चेतावनी भी दे डाली। राजनाथ सिंह ने बालाकोट एयर स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कहा कि अगर हमारे पास राफेल लड़ाकू विमान होता तो मुझे लगता है कि हमें बालाकोट एयर स्ट्राइक के लिए पाकिस्तान जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम भारत में बैठकर भी वहां के आतंकी शिविर को खत्म कर सकते हैं। गौरतलब है कि दशहरे के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस गए थे, जहां पर उन्होंने राफेल की पूजा भी की थी। हालांकि राफेल पर ओम लिखने के बाद जमकर विवाद भी हुआ। इस पर राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि मैं साधारण परिवार का हूं, मुझे लगा कि एक नया प्लेन है और इसके साथ ही हमें इसकी पूजा भी करनी चाहिए। नारियल भी उन्होंने साथ ही साथ वहां पर फोड़ा था, और आपको बता दें जिसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के कई अधिकारियों ने, पार्टी के कई नेताओं ने इस बात पर विवाद भी खड़ा किया था। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये तो सांप्रदायिक हो गए हैं और ओम लिखने पर विवाद खड़ा कर दिया इन्होंने। क्या अपने घरों में ओम नहीं लिखा जाता है? जहां मैं पूजा कर रहा था वहां सभी धर्मों के लोग खड़े थे। कांग्रेस को इसका स्वागत करना चाहिए कि देश को एक नया फाइटर प्लेन मिल रहा है, लेकिन उन्होंने आलोचना करनी शुरू कर दी। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस के लोगों के बोलने से पाकिस्तान को ताकत मिलती है, इसलिए इस चुनाव में उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। मैं साधारण परिवार का, हमारा जो स्वभाव था उसके अनुसार मैंने कहा कि हमको एक नई यह फाइटर प्लेन, लड़ने वाली यह प्लेन मिल रही है, ताकतवर प्लेन मिल रही है, इसका प्रयोग करने के पहले हमको इसको बाकायदे इसकी पूजा करनी चाहिए। तो मैं गया, उस पर ओम लिखा, नारियल फोड़ा, रक्षाबंधन जो बांधा जाता रक्षा भी बांधी। अब यहां कांग्रेस के लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया कि भाई ये तो बिल्कुल कम्युनल हो गए हैं, सांप्रदायिक हो गए, ओम लिखने पर इनको आपत्ति है। बहरे भाई, ओम क्या आपके घरों में ओम नहीं लिखा जाता? मैं आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारे ये सिख भाई यहां पर बैठे हुए हैं, क्या वह एक ओंकार शब्द नहीं बोलते हैं? एक ओंकार नहीं बोलते हैं क्या? इस पर क्या इस पर जो है कांग्रेस के लोगों को आपत्ति है? क्या हमारे क्रिश्चियन लोग आमीन नहीं बोलते हैं? क्या हमारे मुस्लिम भाई आमीन नहीं बोलते? इस पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। और जिस समय मैं पूजा कर रहा था वहां सभी धर्मों के मानने वाले लोग मौजूद थे, वहां पर मुस्लिम भी थे, वहां पर ईसाई भी थे, वहां पर हिंदू भी थे, वहां पर सिख भी थे, सभी लोग पूरी तरह से सहयोग कर रहे। और उस पर भी यहां पर कांग्रेस के लोगों को, जबकि उसका स्वागत करना चाहिए था कि हमारे देश में इतनी बड़ी फाइटर प्लेन आ रही है, और लोगों ने आलोचना शुरू कर दी बिना सोचे विचारे। जो कुछ भी आता है वह बोलते रहते हैं। और बहनों भाइयों, इससे यदि ताकत यदि मिलती है इन कांग्रेस के लोगों के बोलने के कारण, तो पाकिस्तान को ताकत मिलती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इनको मुंहतोड़ जवाब इस चुनाव में दिया जाना चाहिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने मुंहतोड़ जवाब दिया है, इस चुनाव में भी इसका मुंहतोड़ जवाब उनको दिया जाना चाहिए। फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूले। नमस्कार। न्यूज 1:11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।